अश्विन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिवराम सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। बता दें, अफरीदी इंग्लैंड की संसद कही जाने वाली हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अपने 4 प्रांत तो संभलते नहीं हैं, इसलिए उसे कश्मीर की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेल की शिकायत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की गई है। दरअसल पालम स्टेशन पर चेतक एक्सप्रेस का स्टॉप बनाने के लिए दैनिक यात्री संघ ने ट्रंप को लेटर लिखा है, जिसमें गुहार लगाई गई है कि कई साल से उनकी मांग नहीं मानी गई, इसलिए ट्रंप ही कुछ करें। संघ का ये भी कहना है कि उसने पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे ट्विटर की मदद से अपनी मांग ट्रंप से कर रहे हैं। देश में लगातार राज्यों के नाम बदले जा रहे हैं, इसी से जुड़ी ताजा खबर सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार का मानना है कि बांग्ला नाम पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलता जुलता है। बता दें, बीजेपी राज्य का नाम बांग्ला के बजाय पश्चिम बंग रखने के पक्ष में है। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक लंबे रिलेशनशिप के बाद इटली के लेक कोमो में शादी के बंधन में बंध गए। बताया जा रहा है कि आज यानी 14 नवंबर को दोनों ने कोंकणी रिवाज से शादी कर ली है। वहीं शादी के वेन्यू की बात करें तो उसे खूबसूरत सफेद फूलों से सजाया गया और शादी का खर्च लगभग $30,000 बताया जा रहा है। भारत ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-29 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के चेयरमैन के सिवान का कहना है कि संचार उपग्रह GSAT-29 पर एक खास किस्म का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिसे GOI नाम दिया गया है। इससे हिंद महासागर में भारत के दुश्मनों और उनके जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। इस संचार उपग्रह से जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। बता दें, अपनी दूसरी उड़ान में GSLV-MK3 रॉकेट ने GSAT-29 को भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।